चाय के साथ टोस्ट या रस खाना किसे पसंद नहीं होता। ज्यादातर लोग अपने दिनचर्या की शुरुआत ही इन्हीं दो चीजों से करते हैं। कुछ लोगों को तो चाय के साथ टोस्ट जरूर चाहिए ही होता है, तो वहीं कुछ इसे सूखा ही खाना पसंद करते हैं। मगर क्या आप जानते हैं जिस रस को आप इतने चाव से खा रहे हैं वो आपके स्वास्थ्य को कितनी बुरी तरह से नुकसान पहुँचा सकता है। एक न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक रस्क से कई शारीरिक परेशानियां लग सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको बनाने में अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला रिफाइंड आटा, चीनी, ग्लूटेन की गुणवत्ता सही नहीं होती। इतना ही नहीं बल्कि इसे तैयार करने के लिए भी बेहद गंदे और अनहाइजीनिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे ऐसी ही एक नुक्कड़ की रस्क फैक्ट्री में, जहां आप इसका असल पर्दाफाश होता देखेंगे। तो हो जाइए तैयार रस्क की हकीकत से वाकिफ होने के लिए। वेल, सूजी टोस्ट या यूं कहे कि रस्क को बनाने की ये प्रोसेस शुरू होती है इसके कुछ मेन इंग्रेडिएंट से, जैसे गेहूं का आटा, सूजी, नमक और यीस्ट। इन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर ये डो तैयार किया जाता है। मगर इससे पहले कि हम इस प्रोसेस में आगे बढ़ें, आपके लिए हमारी एक राय, भूलकर भी किसी लोकल और अनहाइजीनिक फैक्ट्री में बने रस्क या टोस्ट ना लें, क्योंकि इन्हें कुछ इस तरह बनाया जाता है। तो दोस्तों, अगली बार रस्क लेने से पहले ये नज़ारे जरूर याद कर लेना। खैर, आइए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में और दिखाते हैं आपको रस की ये मेकिंग प्रोसेस। एक शानदार डो तैयार करने के बाद इसे भेज दिया जाता है डिवाइडर हॉपर में, जो इस बड़े सारे डो की छोटी छोटी लोइयां काट कर नीचे कन्वेयर बेल्ट पर छोड़ता चला जाता है। इस बेल्ट पर गिरते हुए छोटे डोज सरक कर आगे बढ़ते चले जाते हैं, जहां वक्त वक्त पर इन पर ग्रीसिंग के लिए ऑयल भी डलता जाता है। खैर, इस पूरी उठा पटक के बाद ये मुड़ते तुड़ते पहुँचते हैं इस वर्कर के पास, जो इन्हें उठा कर इन मोल्ड्स में सेट कर देता है। और आगे ये मोल्ड्स पहुंचते हैं एक ओवन में, जहां 45 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीटेड एनवायरनमेंट पर इनकी बेकिंग होती है। इस दौरान ये अच्छी तरह सेक कर सुनहरा रंग ले लेते हैं और कुछ यूं ये खस्ते करारे रस्क बनकर तैयार हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है इसकी पैकेजिंग की, जिसके लिए पार्ले, ब्रिटेनिया, प्रिया गोल्ड और हार्वेस्ट जैसे तमाम ब्रांड्स अपने रैप में पैक कर मार्केट की ओर रवाना कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपने जाना कि आखिर रस्क कैसे बनते हैं। मगर इन लोकल बेकरियों में ये सिस्टम पूरी तरह से उलट होता है। यहाँ ना ही सफाई का ध्यान दिया जाता है और ना ही इंग्रेडिएंट्स की गुणवत्ता का, और ऐसे में इन कामगारों की ऐसी हरकतें वाकई बर्दाश्त से बाहर हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमारे साथ कमेंट्स में जरूर साझा करें। साथ ही दोस्तों, अगर आप आगे भी ऐसी ही मजेदार फैक्ट्री रिलेटेड वीडियो देखते रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल फैक्ट्री कल्चर को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटा दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप रखें ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।